मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव में पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज दूसरी बार उज्जैन पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। इस हफ्ते के अंदर दूसरी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे और नगर के 54 वार्डों और बीजेपी के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के लिए वोट मांगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार 90 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में एमपी में 93 नए केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन बढ़ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई है। बीजेपी अध्यक्ष लगातार रैलियां और नगरीय निकाय चुनाव के रोड शो कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संपर्क में रहे कई नेता चिंतित हैं। नगरीय निकाय चुनावों में पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक है। पार्टियों और प्रत्याशियों के घमासान जारी है। स्थानीय नेता अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को जबलपुर में एक ही दिन जनसंपर्क और रोड शो करेंगे। जबलपुर में गुरुवार का दिन सियासी घमासान के नाम होने वाला है। यहाँ सुबह के समय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे, रोड शो करेंगे। छतरपुर के ओरछा रोड थाना अंतर्गत नारायणपुरा गांव में 5 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया। इस बच्चे का नाम दीपेंद्र यादव है। यह घटना उस समय हुई जब वह खेत में खेल रहा था। इस दौरान खेलते खेलते वह खुले पड़े बोरवेल में जा गिरा। इसकी खबर लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और जब लोगों ने खोजबीन शुरू की तो बोरवेल से बच्चे की दबी हुई आवाज सुनाई दी। इसके बाद तत्काल घटना की जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने बच्चे को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि बारिश ने टीम की परेशानी को बढ़ा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुधवार को ग्वालियर के दौरे पर रहे। ग्वालियर पहुंचने के बाद कमलनाथ एयरपोर्ट से सीधे परिवार हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार भर्ती हैं। उन्हें कल शाम कुछ तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कमलनाथ के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री एवं विधायक लाखन सिंह, विधायक प्रवीण पाठक और अन्य नेता भी थे। विधायक सिकरवार के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद कमलनाथ पार्टी प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम में शामिल होने चले गए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।